तो गाइस ये वीडियो है रे मिस्टीरियो की रिटर्न के बारे में, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे तक हमें पता है कि इस रो पर जो की है जॉन सीना ने कर दिया चैलेंज अंडरटेकर को। हालांकि WWE दिखाना चाह रही है जॉन सीना को हेल्पलेस, बट एक्चुअली जॉन सीना जो की है वो हेल्पलेस है नहीं, बट WWE पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। बट जो की मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी सारे रेसलमेनिया कंपेटिटर जो की होने वाले हैं बड़े बड़े, उनके जो की बैकअप प्लान्स थे उसके बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो वो जरूर चेक कीजिएगा। उस वीडियो में काफी कुछ जो किया बताया था मैंने जो की प्री-रूमर्ड था, और उसी में जो की एक चीज मैंने बताई थी जैसे की अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना जो की मैच है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हद तक कंफर्म्ड है। बट मैंने बताया था कि दोनों का जो बैकअप ओपोनेंट थे वो थे रे मिस्टीरियो, और रे मिस्टीरियो का जो कि बैकअप ओपोनेंट थे वो ओनली दो थे, यानी कि अंडरटेकर और जॉन सीना। अगर तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रे मिस्टीरियो को रिटर्न करना रेसलमेनिया 34 पर, तो हमें ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए बिकॉज इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। रेसलमेनिया 34 पर जो की है वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे रे मिस्टीरियो। बट इससे भी बुरी खबर एक मेरे पास है, इस बार जो की अपडेट्स आ रहे हैं रूमर से रिलेटेड जो की मैं कुछ इस तरीके से बताऊं, तो जो की रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2018 में नहीं होने वाला साइन WWE के साथ, यानी कि अगर हमें जो की वो देखने को मिलेंगे तो मेरे हिसाब से वो 2019 से पहले नहीं होंगे, और वो भी शायद रेसलमेनिया 35 से पहले नहीं हो सकता, रेसलमेनिया 35 के बाद ही हो सकता है। बट ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, WWE को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे कि WWE ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया उन्हें। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर जो की मेन इवेंट है वो काफी अच्छा है, बट मैं कहूं तो बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल है। हमें पता है कि इस बार जो की अंडरटेकर है वो रिटायर होने वाले हैं, अंडरटेकर की जो की रिटायरमेंट की स्पेकुलेशन जो की है वो जुड़ने वाली है, और जॉन सीना कर सकते हैं अंडरटेकर को रिटायर। बट अगर बाय चांस मान लो जॉन सीना अंडरटेकर को रिटायर भी नहीं करते तो भी मान लो इस टाइम पर ये मैच काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बिकॉज कुछ भी हो जाए, सूरज चांद हो जाए, बट जॉन सीना जो कि इस बार मैच ही जीतने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप दिख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरविंद।